वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इट मींस मेश एनालिसिस ये टॉपिक का 18th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम आज हमें स्टडी करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विथ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो आप सर्किट में देख सकते हैं ये सर्किट में एक सिंगल लूप है। अगर यहां पे एक सिंगल लूप है इट मींस ये प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी आसान हो सकता है। और सर्किट में क्या दिया है देखो, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है यहां पे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। देखो ये एक डिपेंडेंट, लेकिन ये कौन सा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है क्योंकि इसके ऊपर लिखा है वीबी। देखो वीबी के फॉर्म में है, 2VB लिखा है ना, इसका मतलब ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। वैसे आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो टाइप्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे एक होता है डिपेंडेंट करंट सोर्स और दूसरा होता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। लेकिन डिपेंडेंट करंट सोर्स के दो टाइप होते हैं, उसमें एक होता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स और दूसरा होता है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और दूसरा होता है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। तो कौन सा डिपेंडेंट सोर्स दिया है वो आपको हमेशा चेक करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। तो ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये वीबी के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे सर्किट में देखो 1 ओहम, 3 ओहम, 4 ओहम जो है ये एक सिंगल ब्रांच में है जो कि सीरीज में दिख रहे हैं। ये जो 3 ओहम है इसके अक्रॉस का वोल्टेज है वीबी, प्लस माइनस ऑलरेडी एग्जाम में जब आया था प्लस माइनस वगैरह सब कुछ दिया हुआ था। और इधर बैटरी लगी है 24 वोल्ट की, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सिर्फ और सिर्फ हमें करंट फाइंड आउट करना है। मतलब ये सर्किट में एक सिंगल लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या करंट फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, हमें बस करंट इसमें से जो फ्लो हो रहा है करंट आए हमें बस वो फाइंड आउट करना है बस। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये जैसा हमने कहा सबसे इजी प्रॉब्लम ये है अभी तक का, क्योंकि इसमें सिंगल लूप होने की वजह से इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट कोई भी जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो होते हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए उनको वो डिफिकल्ट लगता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये डिपेंडेंट सोर्स होने के बाद भी ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो समझ लो, तो हम एक काम करेंगे, ये एक लूप में KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बात और बताना चाहेंगे, ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो ऐसा ही आया था, बस ये इतना लिखा था कि यहाँ पे करंट फाइंड आउट करो वगैरह। इसमें कोई मेथड का नाम लिखा नहीं था कि इसको KVL से सॉल्व करो या KCL से सॉल्व करो या ओम्स लॉ से सॉल्व करो या करंट डिविजन रूल से सॉल्व करो। ये पूरी चॉइस आपकी थी कि इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो हमने इसको KVL में ले लिया। चलो हम आपको KVL से सॉल्व करके बता देते हैं इसको। तो चलो यहाँ पे हम जैसा हमने कहा ये एक सिंगल लूप है, तो सिंगल लूप में हमें KVL अप्लाई करना है। तो अगर KVL अप्लाई करना है तो ये लूप में करंट डायरेक्शन ले लो। तो ये हमने करंट डायरेक्शन ले लेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बैटरी है, बैटरी का प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो प्लस टू माइनस करंट हम कन्वेंशनल करंट शो करेंगे इस तरह से क्लॉकवाइज। और ये करंट का हम नाम दे देंगे I1, करंट I1 फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और यही करंट I1 हमें फाइंड आउट करना है, समझ लो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, I1 देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल लूप है तो करंट I, बस I फ्लो होगा तो हम I लिखेंगे। चलो और हम यहां पे लिख लेंगे स्टेटमेंट में अप्लाई KVL इन लूप 1। बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो अप्लाई KVL इन लूप, लूप 1 हम क्यों बोल रहे हैं, एक ही लूप है ना, इन लूप, ठीक है। तो देखो KVL अप्लाई करने पर यहाँ पे कैसे इक्वेशन बनता है, तो चेक करो कि ये जो सर्किट है इसमें टोटल कितने एलिमेंट है। तो सर्किट में 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 एलिमेंट्स है, इसका मतलब 5 टर्म्स वाला इक्वेशन यहाँ बनेगा, ये तय है। तो सबसे पहले बैटरी से स्टार्ट करते हैं, चेक करो कि बैटरी में करंट कौन से साइड से एंटर कर रहा है, निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है या पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो ये जो करंट है ये करंट हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है और ये करंट का डायरेक्शन ऐसा है, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स में यानी बैटरी में इधर से एंटर कर रहा है यानी निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है और पॉजिटिव साइड से यहां से लीव कर रहा है। इसका मतलब यह है हम वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में लिख सकते हैं। हम यहां लिख लेंगे -24। देखो रूल, देखो दो तीन आप अलग अलग टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आता है। अगर वोल्टेज सोर्स में करंट निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में ले लो, और अगर पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में ले लो, ठीक है। और फिर अभी देखो यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में ले लिए ना, अब बाकी के सभी एलिमेंट जो है वो प्लस में ही लेंगे,
ठीक है, बस आपको वोल्टेज सोर्स में ही चेक करना होता है कि करंट कौन से साइड से एंटर कर रहा है या कौन से साइड से लीव कर रहा है, बाकी सभी एलिमेंट प्लस में आएंगे। अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किया तो भी चलता है। उल्टा मतलब देखो, करंट अगर निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो आप उसका वैल्यू पॉजिटिव में ले सकते हैं, ठीक है ना, वो रूल से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अंदर के फिर एलिमेंट्स का साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए कोई भी एक रूल आप कोई भी एक रूल से आप सॉल्व करो तो अच्छा रहेगा। वैसे कोई भी मेथड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आप वो मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे हर मेथड से। तो यहां पे हमने 24 वोल्ट वोल्टेज सोर्स ले लिए, दैट इज बैटरी निगेटिव साइड से एंटर कर रहे हैं इसलिए निगेटिव, और बाकी के एलिमेंट्स हम यहां पे ले लेंगे 1 ohm 3 ohm 4 ohm, पहले हम ये लेंगे और इनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हम प्लस करेंगे। तो 1 ohm के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा 1 into I, 3 ohm के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा 3 into I, एंड 4 ohm के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा 4 into I। तो जस्ट हम उसको प्लस करेंगे, सो प्लस 1 into I यानी ओनली I, फिर 3 into I, सो प्लस 3 into I, फिर 4 into I, सो प्लस 4 into I, इस तरह से, ठीक है। ये हमने 1 2 3 4 ये ले लिए। अब चलो ये वोल्टेज सोर्स की बारी, जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है अब उसकी बारी। अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को अगर आपको यहां लेना है तो इसके ऊपर लिखा है -2B, तो चेक करो। जैसा हमने कहा आपको सिर्फ वोल्टेज सोर्स को चेक करना होता है कि करंट कौन से साइड से वहां पे एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है। तो ये जो करंट I1 है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में कौन से साइड से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव साइड से या निगेटिव साइड से? तो देखो करंट ऐसा क्लॉकवाइज है, ये करंट जो है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है और पॉजिटिव साइड से लीव कर रहा है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो भी निगेटिव में आएगा, जैसा हमने बैटरी के टाइम किए थे। बैटरी में वोल्टेज सोर्स में जो बैटरी है उसमें करंट निगेटिव साइड से एंटर कर रहा था इसलिए उसका वैल्यू निगेटिव मिली है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट ये जो वोल्टेज सोर्स है उसमें भी करंट निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है इसलिए हम यहां पे इसका वैल्यू निगेटिव में लेंगे, दैट इज निगेटिव में 2B इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में क्या लिखा है, -2VB लिखा है ना उसका वैल्यू, इसलिए -2VB, ठीक है। ये निगेटिव में क्यों आया समझ में आया, ये निगेटिव में क्यों आया समझ में आया, वो इसलिए क्योंकि दोनों में जो करंट है वो निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है इसलिए। बाकी सभी एलिमेंट हमने कहा था प्लस आना है, तो बाकी सभी एलिमेंट प्लस आ गए। इक्वेशन KVL का इक्वेशन बन गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें आई मिल जाएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई। तो अगर आपको यहां पे आई फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हो सकता है, लेकिन यहां पे देखो VB है, VB अननोन है, तो जब तक आप यहां पे VB का कोई वैल्यू पुट नहीं करोगे आई के फॉर्म में तब तक यहां से आई नहीं मिलेगा। और क्या हम VB का वैल्यू आई के फॉर्म में पुट कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देखो यहां पे सर्किट में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे सर्किट में, यहां देखो क्या दिया है, यहां पे 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्लस माइनस VB लिखा है। इसका मतलब यह है कि ये 3 ओम जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस का वोल्टेज है VB, और वोल्टेज फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है V=IR/ohm's law, है ना। देखो और हम यहां पे VB का वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं, VB=I into R, यानी क्या है 3 ओम, सो हम यहाँ पे 3I ऐसा लिख सकते हैं 3 into I, क्योंकि इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, इसमें से I फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट I जो है वह ऐसा फ्लो हो रहा है। सो I into R करेंगे तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज VB हमें मिल जाएगा। इसका मतलब VB के जगह 3I ऐसा हम लिख सकते हैं, ये कन्फर्म है। तो चलो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, देखो हम ऐसा लिख लेंगे फ्रॉम सर्किट, हम ऐसा लिख सकते हैं VB=3I, ठीक है। बस यहां VB के जगह 3I पुट कर दो तो ये हो जाएगा -24 प्लस ये ऐड कर लो 4, 3, 1, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा +8I और ये -2 into VB के जगह 3I=0, तो ये हो जाएगा 24 को उधर शिफ्ट कर लो, ये 8I -6I=24, तो ये हो जाएगा यहां पे 2I=24, तो I=12 ampere। सो फाइनली क्वेश्चन में जो करंट फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो करंट I हमने फाइंड आउट कर लिए, सो देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं सर्किट करंट इज 12 ampere, और ये हम यहां पे ये हम ऐसा रिक्वायर्ड रिजल्ट ऐसा हम कह सकते हैं, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, एक सिंगल लूप है, तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो काफी जल्दी से हमने ये सॉल्व कर लिए, और हमें बताओ कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होने के बाद भी क्या ये प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लगा? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये कंडीशन की तरफ ध्यान देना है, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे यूज किए हैं बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बस एक बार आपने ये कंडीशन बना लिए है तो बस आपको इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ इक्वेशन में पुट करना है, तो आप आसानी से इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व कर लोगे।
तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की भी अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप एग्जाम में कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसमें डिपेंडेंट सोर्स हो या ना हो। ठीक है, तो ये था किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट मीन्स मेश एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 18। इसके पहले के 17 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।